क्योंकि ये तो एक निरंतर सत्य बात है कि जिसका सृष्टि हुआ है उसका विनाश होगा ही होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये तो किसी को नहीं मालूम। अभी आपका जन्म हुआ है इसका मतलब आपका मृत्यु भी सुनिश्चित है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें। इस वीडियो में हम जनरली आज बात करेंगे कि आपको YouTube पर एक अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं एज ए क्रिएटर। आप व्यूअर्स के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एज ए क्रिएटर आपको एक अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। और अगर आपका जवाब ये सता है कि नहीं हमें एक क्रिएटर बनना है, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे कि आपको एक YouTube चैनल कैसे ओपन करना चाहिए, जिससे कि आपको काफी मदद मिले रैंक करने में। अगर आपका जवाब नो में आता है तभी भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम YouTube टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि YouTube चैनल ओपन करने के लिए जो बेसिक रहते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। पहले हम नेगेटिव्स में आ जाते हैं, उसके बाद पॉजिटिव सुनेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। पहले नेगेटिव्स में आ जाते हैं। सबसे जो पहली परेशानी रहता है कि हम YouTube चैनल क्यों ओपन नहीं कर पाते, उसका वजह यह है कि हमारे पास समय का बहुत कमी रहता है। हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, जो कि हमारा बेसिक जॉब से हम उसको करते रहते हैं, तो हमें समय का बहुत कमी हो जाता है। जो कि अभी स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करते रहते हैं, जो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एंट्रेंस पास कर चुके हैं, कोई को इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, वो जॉब में लग चुके हैं, तो उनके लिए जॉब मेन प्रायोरिटी है ऑब्वियसली। वहां से उनका जो हाउस होल्ड खर्चा रहता है वहीं से ही चलता है। तो जनरली हम देखेंगे तो समय का जो कमी रहता है वो मेन इशू रहता है। और सेकंड में आ जाते हैं जो कि प्रिपरेशन करते रहते हैं, जो कि जॉब अब नहीं करते हैं, अभी तक नहीं किए हैं, बट प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब के लिए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है समय का। जैसे कोई समय अगर नहीं मिलता तो एक वीडियो कैसे अपलोड करेंगे। जब YouTube वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल्स पर ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपको अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाना है, उसके बाद उसको एडिट करना है, उसके बाद उसको अपलोड करना है, बहुत सारे इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो जो सबसे पहला इशू रहता है वो है टाइम का। और जो नेक्स्ट में आता है वो प्रॉब्लम आपको थोड़ा हैरान लग सकता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसका एक ग्रेट एग्जांपल मैं हूँ। तो ये जो जितना भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ या फिर रिव्यू करता हूँ, जो भी गैजेट्स देख रहे हैं, ये सब मैं ऑनलाइन ऑर्डर करते रहता हूँ, बट कभी इसको मैं वीडियो बनाने का सोचा भी नहीं था। लेकिन सडनली मेरा माइंड में एक ख्याल आया, अगर ऐसा टाइप का वीडियो अगर मुझे पहले से मिल जाता कि आपको YouTube चैनल पर ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कब का बना चुका होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद में उसको अनबॉक्सिंग करना, रिव्यू करना, ये सब चालू कर दिया। तो जनरली होता क्या है, बहुत लोगों को मालूम नहीं होता कि हम ये सबको अपलोड कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये भी एक इशू माना जाता है, और ये मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इसको एक इशू तरह मान सकता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है, प्राइवेसी इशू। बहुत लोग अपना जो चेहरा है और जो अपना आवाज है उसको पब्लिकली शो नहीं करना चाहते, तो ये भी एक इशू है। YouTube में क्या होता है कि आपको आपका चेहरा दिखाना पड़ता है या फिर आपका ऑडियो सुनाना पड़ता है। आप चाहे तो उसका भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप चाहे तो उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनरली अगर हम देखेंगे तो YouTube में आपको आपका चेहरा के साथ साथ आपको ऑडियो और वीडियो जो है वो बनाना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत सारे लोगों के लिए कंसर्न हो सकती है। अब आ जाते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है और अगर वो आप 10 लोगों को बताते हैं तो वो नॉलेज जो है वो स्प्रेड होता है और आपके पास और भी नॉलेज गेन होता है। नॉलेज एक ऐसा चीज है कि ये बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं ऑन बियस्ट, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप ऑन बियस्ट एक कोई भी इक्विपमेंट लेके, आपका नॉर्मल स्मार्टफोन लेके या फिर कोई भी आप एक डिजिटल कैमरा लेके, आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं और लोगों को नॉलेज दे सकते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं आता था कि फोटो एंड वीडियो जो रहता है वो किस हिसाब से एडिटिंग करते हैं। तो मैं YouTube पर ही देखा और वहीं से सीखा। मुझे मैक्सिमम 24 आवर to 48 आवर लगे, मैं YouTube कोई भी वीडियो एडिट कर सकता हूँ। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इतना तो सीख गया हूँ कि मैं अपना वीडियो को अपलोड ठीक ठाक कर लेता हूँ। तो ये एक नॉलेज गेनिंग का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कोई भी चीज सर्च कर लीजिए, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको चाहे वो वेब फॉर्मेट में हो या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो, वो आपको शो कर देता है। अगर क्रिएटर्स ही अपना नॉलेज को स्प्रेड नहीं करेंगे, नहीं बांटेंगे, तो ये कैसा पॉसिबल है।
अगर आप ब्लॉगिंग नहीं करते या फिर ब्लॉग नहीं लिखते तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो ऑडियो एंड वीडियो का जो मीडिया है वो काफी इजी होता है समझने के लिए, जानने के लिए। आप अपना ही एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको कोई चीज पढ़ने को मिले और वही चीज अगर आपको देखने को मिले और सुनने को मिले, आप किस चीज के ऊपर अपना ज्यादा मेमोरी पावर फोकस कर पाएंगे? ऑब्वियसली जो देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें क्या होता है, अपना आई भी एंगेज होता है, अपना ऑडियो एंड वीडियो ईयर भी एंगेज होता है, तो ये जो चीज है ये हमें जल्दी से याद रह जाता है। अगर हम खाली पढ़ेंगे तो सिर्फ आई एंगेज रहता है और माइंड एंगेज रहता है, तो इसमें थोड़ा याद करने के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम अपना आई, ब्रेन, ईयर सबको एक चीज में एंगेज कर दें तो ये याद रखने के लिए काफी इजी होता है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है या फिर कुछ हौसला है तो आपको YouTube में जरूर से जरूर कदम देना चाहिए। सेकंड थिंग्स में आ जाते हैं, क्यों आपको YouTube वीडियो चालू करनी चाहिए। ऑफलाइन में बहुत लोगों को पहचानते हैं, लेकिन ऑनलाइन का दुनिया ही अलग है। यहाँ पर नेम एंड फेम पाना बहुत मुश्किल भी है, बहुत इजी भी है और बहुत चार्मिंग भी है। तो अगर आपको ऑनलाइन के मीडिया में अगर नेम एंड फेम पाना है तो आप यूट्यूब में आ सकते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि फेसबुक पर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, टिकटॉक पर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, स्नैपचैट पर बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर कंफर्टेबल रहते हैं, बट यूट्यूब पे नहीं रहते। क्योंकि यूट्यूब में आपको ऑडियो वीडियो दोनों को अपलोड करना पड़ता है, काफी सारे मेहनत भी लगते हैं, काफी एडिटिंग करना पड़ता है, आपको टाइम देके शूट करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसके साथ इकोनॉमिकली भी थोड़ा बहुत तो इफेक्ट डालता ही है। लेकिन दोस्तों कोई भी एप्स का कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि अभी आप हाल ही में सुने होंगे टिकटॉक जो है वो इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुका है और उसका एप्स जो है वो प्ले स्टोर से हट चुका है। कब आएगा कब नहीं आएगा ये सब कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, क्योंकि कोई बहुत सारे एप्स ऐसे हैं, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो कि आते रहे जाते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पहले से है और आगे तक रहने का उम्मीद है, क्योंकि उसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो टाइम के साथ अप टू डेट होते रहता है। अगर आप प्राइवेसी पॉलिसी के साथ अप टू डेट नहीं रहेंगे तो कोई भी एप्स हो चाहे वेबसाइट हो उसका हाल एक ना एक दिन ऐसा होने वाला है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब भी कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो एक निरंतर सत्य बात है कि जिसका सृष्टि हुआ है उसका विनाश होगा ही होगा, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन कब होगा कैसे होगा ये तो किसी को नहीं मालूम। अभी आपका जन्म हुआ है इसका मतलब आपका मृत्यु भी सुनिश्चित है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दें, ठीक है ना दोस्तों। तो वैसी इसी तरह ही अगर YouTube भी स्टार्ट हुआ है तो कभी ना कभी तो उसका अंत होने ही वाला है। लेकिन दोस्तों आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है वो कभी अंत नहीं होगा, अगर आप उसको अच्छे तरीके से स्प्रेड किए हैं। तो जैसे महावीर जैन को ले लिए, आप गौतम बुद्ध को ले लीजिए या फिर आप मोहम्मद को ले लीजिए, अगर वो अपना जो नॉलेज है उसको अगर स्प्रेड नहीं किए रहते तो आज उनको कोई नहीं जानता। वो अपना नॉलेज को जो है वो स्प्रेड किए हैं तभी आज उनको बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग उनको मानते हैं, बहुत लोग उनके लिए मरते हैं, बहुत लोग उनके लिए जीते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके पास जो नॉलेज है उसको स्प्रेड कीजिए। और स्प्रेड करने के लिए एक अभी के लिए फिलहाल 2019 एंड 20 के लिए तो यूट्यूब एक बढ़िया माध्यम है, और बाद में अगर कभी हो सकता है तो कोई और भी मीडिया आ सकता है। आप तो हैं, आपके हाथ में एक स्मार्टफोन तो है, बस हो गया, आपका नॉलेज, आपका स्मार्टफोन तैयार, कोई भी वीडियो तैयार। तो YouTube ही, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ YouTube में ही करना चाहिए, आप ऐसे मीडिया चूज कीजिए जिसका कि कुछ मतलब वैल्यू हो ऑनलाइन की दुनिया में। और अभी फिलहाल 2019-20 में सिर्फ YouTube का ही है, और बाकी जो भी मीडिया है वो टेम्पररी है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं। और अगर नहीं करनी चाहिए फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम बहुत सारे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के और भी वीडियो लाते रहेंगे।